अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब ठीक और खैरियत से होंगे। फाइनली हम यूनिवर्सिटी पहुंच गए क्योंकि हमारी क्लास थी। क्लास ना होती तो हम छुट्टी करके घर बैठते और शुक्र अल्लाह का अदा करते कि शुक्र है आज हमें छुट्टी का मौका मिला। और ये BS डिपार्टमेंट है, BS इंग्लिश डिपार्टमेंट। इधर BS की क्लासेस होती हैं, BS इंग्लिश, उर्दू, एजुकेशन। जो भी बच्चे BS में होते हैं उन सब की क्लासेस इधर होती है और यहाँ एडमिशन्स भी होते हैं बच्चों के। क्योंकि ये फर्स्ट बिल्डिंग है यूनिवर्सिटी की, पार्किंग एरिया के सामने आती है ये बिल्डिंग, तो इस वजह से इधर एडमिशन्स वगैरह भी होते हैं। ये रही हमारी खूबसूरत सी यूनिवर्सिटी की डक, जो हमें पढ़ने ही नहीं दे रही थी। इतना शोर कर रही थी ये, इतना शोर कर रही थी, और बच्चे इनको आते जाते छेड़ रहे थे। वो और शोर करती थी फिर इनको बातें करने में। मेरी दोस्तें कह रही थी तुम इनका स्लोमो क्यों नहीं बना लेती, इतनी प्यारी चल रही है ये। फाइनली लेक्चर लेने के बाद और पढ़ने के बाद, पढ़ा हमने वैसे बिल्कुल नहीं है, हाँ लेक्चर ज़रूर लिया था हमने। वैसे बैठ के हम बातें कर रहे थे और डक ने तो हमें पढ़ने ही नहीं दिया, इतना शोर किया हुआ था। तो हमें भूख लग गई तो हम फिर यूनिवर्सिटी का यार खा खा के हम थक गए थे। रोज़ यूनिवर्सिटी का वही फास्ट फूड, थक जाता है इंसान एक ही चीज़ खा खा के बार बार। तो मैं और मेरी दोस्त ने सोचा हम लिंक रोड जाते हैं, वहाँ जाके हम बिरयानी खाते हैं क्योंकि वहाँ बहुत टेस्टी और बहुत मज़े की बिरयानी मिलती है। फाइनली हम टाउनशिप के लिंक रोड पहुँच गए थे और ये हम अवाना मॉल के बाहर थे, लेकिन हम अंदर नहीं जा सकते थे क्योंकि हमारा लेक्चर था। तो हम बिरयानी खा के फ़ौरन यूनिवर्सिटी जाना चाहते थे, अंदर जाते तो काफ़ी टाइम लग जाता घूमने फिरने में, फिर टाइम ज़ाया होता। और फिर ये लिंक रोड पे काफ़ी लंडा भी लगा होता है, काफ़ी लोग स्टॉल लगा के बैठे होते हैं, शॉप्स भी होती हैं काफ़ी, और शूज़ वगैरह की, कपड़े वगैरह की, स्टाइल और लैमराइट हर किस्म की शॉप होती हैं। क्योंकि ये यहाँ पे मॉल भी है ना, तो मॉल के अंदर भी काफ़ी शॉप्स हैं। फिर आवारा गर्दी करके हमने बिरयानी ऑर्डर की और बिरयानी बैठ के खाई, बहुत ही मज़े की थी, बहुत ही टेस्टी थी। बिरयानी खाने के बाद हमने सोचा कुछ मीठा हो जाए, तो हमने आइसक्रीम ली, बहुत ही मज़े की आइसक्रीम बनाता है ये लड़का। ऊपर ये देखें अब बिस्किट लगा रहा है और फिर इसके बाद चॉकलेट भी लगाएगा, बहुत ही टेस्टी होती है, बहुत ही मज़े की होती है। और फिर खा पी के हम फिर यूनिवर्सिटी आ गए क्योंकि हमारा एक और लेक्चर था जो 4:30 से 6 बजे तक था, और हमारी जान निकल रही थी कि यार रात हो जानी है यहीं, क्योंकि 5 बजे तो मगरिब हो जाती है। और ये रहा हमारा कैफ़े जिसको हम कहते हैं अमीरों का कैफ़े, इसे तकरीबन 1 साल हुआ अभी बना है ये, और बहुत ही खूबसूरत है। मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ, बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत इन्होंने ये कैफ़े बनाया है। अब
अब आप लोग सोचेंगे कि ये इतना खाली क्यों है यार, काफ़ी बच्चों के पेपर्स हो रहे हैं, काफ़ी डिपार्टमेंट्स के पेपर्स हो रहे हैं, हमारे अभी स्टार्ट नहीं हुए, तो हमारे मंडे को स्टार्ट होने हैं, तो इस वजह से ना बच्चे कैफ़े में नहीं आते, फिर पेपर्स देकर डायरेक्ट घर जाते हैं, क्योंकि पेपर्स में छुट्टी नहीं होती ना, हो रही है बच्चे बाहर कुछ खेल रहे थे फुटबॉल। फाइनली फिर लेक्चर्स लेने के बाद हमें छुट्टी हो गई, 6:15 हो चुके थे और बहुत टाइम हो गया था, घर जाते हुए भी टाइम हो जाना है काफ़ी, तो छुट्टी हो चुकी थी, तो अब हम घर जाते हैं। आप सब भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।